नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। जब हम किसी मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो हमारा मस्तक खुद ही झुक जाता है, यह धार्मिक पहलू है। वहीं दूसरी तरफ साइंस ने यह स्वीकार किया है कि रोजाना मंदिर जाने वालों को अच्छी सेहत और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आइए आज आपको बताएं कि मंदिर जाने से किस तरह के लाभ मिलते हैं। हमारी कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कंट्रोल होती हैं। घंटी बजाने के पीछे क्या है वैज्ञानिक कारण? मंदिर में या घर में घंटी बजाने के धार्मिक कारण तो हैं ही, परंतु घंटी बजाने का हमारे जीवन पर साइंटिफिक असर भी दिखाई देता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में जो कंपन पैदा होती है वह वायुमंडल के कारण काफ़ी दूर तक चली जाती है। इस कंपन का फायदा यह है कि इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इससे उस क्षेत्र का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जब हम मंदिर का घंटा बजाते हैं तो 7 सेकंड्स तक हमारे कानों में उसकी आवाज़ गूंजती है। इस दौरान शरीर में सुकून पहुंचाने वाले 7 पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं। मंदिर जाने से हाई बीपी होता है कंट्रोल। मंदिर के अंदर नंगे पैर जाने से मंदिर के परिसर में फैली सकारात्मक ऊर्जा पैरों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करती है। नंगे पैर चलने के कारण पैरों में मौजूद एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर दबाव भी पड़ता है, जिससे हमारी हाई बीपी की समस्या पर कंट्रोल होता है। तिलक लगाने से बढ़ती है एकाग्रता। मंदिर जाकर माथे के मध्य तिलक लगाने से इंसान की एकाग्रता में वृद्धि होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्योंकि यह स्थान इंसान के लिए बेहद अहम माना गया है। चंदन का तिलक लगाने से ठंडक मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मिलती है मदद। मंदिर में जाकर जब हम दोनों हाथ जोड़कर पूजा करते हैं तो दोनों हाथों की हथेलियों और उंगलियों के कई पॉइंट्स पर दबाव पड़ता है, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। बैक्टीरिया से होता है बचाव। मंदिर के परिसर में आयोजित होने वाले हवन के दौरान जलने वाली कपूर और हवन सामग्री से निकलने वाले धुएं से बैक्टीरिया समाप्त होते हैं, इससे वायरल इन्फेक्शन का खतरा भी टल जाता है। शंख बजाने से होता है स्ट्रेस दूर। मंदिर में आरती के दौरान बजने वाले शंख से परिसर का शांत माहौल भक्तिमय हो जाता है। शंख की आवाज़ से स्ट्रेस दूर हो जाता है, क्योंकि यह आवाज़ कानों के माध्यम से हमारे मन को भी प्रभावित करती है। इससे हमारे ब्रेन फंक्शन में भी सुधार होता है। नकारात्मक शक्तियां होती हैं दूर। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों के समक्ष माथा निवाने से इंसान के भीतर मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती हैं। इसका मुख्य कारण इंसान के मन में अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा भाव का होना भी है। तो दोस्तों, यह थी मंदिर जाने से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभों से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।